बातिल जो सदाकत से उलझता है तो उनसे जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा। मैं 10 बस्तमा जवाना गुजारिश करूंगा सब मोहतरम से कि वो हमें सदारत की किताब से नवाज दें। नौजवानों और सुनने वाली उस तरह ने मदद, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंतखाबात की आमद आमद है, 30 अप्रैल को आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है और 30 अप्रैल बारकर की जमीन पर एक ऐसा गमगीन दिन भी है जहां का एक नौजवान जाने शहादत पहुंच गया। वो 30 अप्रैल जिस दिन यहाँ के नौजवान व्यापारिक खानदान से ताल्लुक रखते थे, वे खुदूर जख्मी किए गए और यहाँ के अपराध को कॉन्स्परेसी यानी साजिश के मुकदमा से मुलविस करके जेलों के सलाखों के पीछे भेज दिया गया, यानी इस्तेदार का बेजा इस्तेमाल किया गया। याद रखो 30 अप्रैल को और आपको अपने वोट का इस्तेमाल सही अंदाज में करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत को शरीर ममनुआ समझते हैं, अरे हमको क्या लेना देना है सियासत से, ये समझते हैं नमाजें पढ़ लेने से, सदकात और खैरात कर लेने से फराइज और वाजिबात की तकमील हो जाती है और बाकी दूसरी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको याद दिलाऊंगा कि मुकम्मल ईमान एक ऐसे फराइज है जिससे गफलत करेंगे याद रखो इसकी बड़ी पूछ होने वाली है। इसी वजह से बाद लोग सियासत और दीन को अलग रखते हैं। लेकिन आपको याद दिलाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी का जब आप जायजा लेंगे तो सियासत और मजहब अलग चीज नहीं है हमारे पास। इसीलिए तो शायर मशरीक ने कहा, जलाले बादशाही होते जमहूरी तमाशा, जुदा होगी सियासत से तो रह जाती है तंगीर नहीं। आज अगर आप सियासत को शदरे ममनुआ समझते हैं तो याद करो कल किसी नौजवान की गिरफ्तारी होती है बस्ती के अंदर या पुलिस का जुर्म होता है, मस्जिद के इमाम साहब जाकर ताकत नहीं रखते उस नौजवान को छुड़वाने की। लेकिन सियासी ताकत की जरूरत होती है। उन लोगों को मैं मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ, जैसा कि हम कोई दीवाने हैं, इंतखाबात लड़ रहे हैं, इलेक्शन में मुकाबला कर रहे हैं, दिन दिन भर लोगों के अंदर पैदल दौरे कर रहे हैं, आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कहें कि सस्ते मस्त नहीं हो रहे हैं और अपने महलों के अंदर अपने घरों के अंदर आराम से सो रहे हैं क्योंकि उनको अल्लाह ने बहुत कुछ किया है लेकिन उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। याद रखो आज हम आवाज उठा रहे हैं तो आपकी बगा है, कल के दिन हमारा वजूद नहीं रहेगा। याद रखो किसी मुसलमान का भी वजूद बाकी नहीं रखेगी यहाँ की हुकूमत, क्योंकि यहाँ की जनता पार्टी सरकार बोल रही है के लिए सियासी ताकत को आपको मुस्तहकम करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत को मुस्तहकम नहीं करेंगे और दयानतदार और दीनदार सियासी ताकत को ऐवान से नहीं भेजेंगे तो फिर आपकी सौदेबाजी होती रहेगी और आपका खिलवाड़ होते रहेगा और आपके बच्चों का इंतजार होते रहेगा, आपके बच्चों की बॉडी शीट खुलती जाएगी और ना आपके मुकदमा में आपको मुलविस करके आपको परेशान किया जाता रहेगा। आज इस महफिल के अंदर, इस बस्ती के अंदर सामाइन की खली खेदा देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस बस्ती वालों को क्या हो गया, एक वो जमाना था यहाँ के नौजवान जॉब दर जॉब आते थे और इस जलसों को आरस्ता क्या करते थे, लेकिन आज क्या वजूहत है मैं नहीं जानता कि किस वजह से नहीं आए। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ ये अगर आप नहीं आए तो मसरूफिया की वजह से ये मेरी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। ये हालात ऐसे है कि हमको सोने का वक्त नहीं बल्कि जागने का वक्त है और जागिए जो है ना अपने मसाइल हल करवाने के लिए मैदान सियासत में उतर कर मजलिस बचाओ तहरीक का जो है ना दिल से साथ देकर जो है ऐवान के अंदर तहरीक की आवाज को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से रात में जलसा नहीं कर रहे हैं,
ना ही अकबरुद्दीन असदुद्दीन के खिलाफ ये रस्ता है, बल्कि हुकूमत की हक तलफी हो रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है दारुसलाम पर। आज मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए के असासे अकबर और असद की जो है ज़ाती रियासत में तब्दील कर दिए गए। 15 साल से मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन का एमएलए जीत के आता है इन बस्तियों से, और उसी तरीके से जो है आप बताइए फारूक नगर की गली में आपने एरिए के एमएलए को 15 साल में कितने मरतबा देखा, कितने मरतबा देखा आपने आपके एमएलए को, यहाँ के कॉर्पोरेटर को आपने आपके मसाए हल करने के लिए कितनी मरतबा देखा मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो रहते हैं जुबली हिल में और पंजाब हिल में, आपके मसाए से क्या दिलचस्पी है। लोग आज पानी के लिए तड़पते हैं, बाजू पड़ोस के अंदर इस्माइल नगर मोहम्मद नगर के अंदर रोजाना 10 रुपए बैरल पानी का बिकता है, अगर 2 बैरल खरीदे जाते हैं महीने को 600 रुपए का खर्चा होता है, सालाना कम से कम 8-9 हजार रुपए का खर्चा होते हैं, और 5 साल के अंदर 80-90 हजार रुपए आपसे खींच किए जाते हैं। नौजवानों तो आज मुझे इसका साथ दे रहे हैं, मुझे इसका परचम लेकर उनके साथ घूम रहे हैं। मैं तुमको आगाह करना चाहता हूँ कि आज मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन और मिल्लत के असासों पर जो है कब्जा करके बैठी है। एक जमाना था जनाब सलाहुद्दीन साहब अवैसी जब इलेक्शन लड़ते हैं, नौजवान जाकर उनसे पूछते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, हमको पर्चे के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, जवाब नहीं दिया जाता। हजरात आप तो जानते हैं मेरे कोई कारोबार नहीं, कोई आमदनी के जराए नहीं, मेरा खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में है, मैं आपको कहां से लाकर दूंगा पैसे। तो सवाल ये पैदा होता है, बात तो किया के घर में रहते थे, कारोबार कुछ नहीं, उसका इतहार किया और ऐलान किया आवाम के दरमियान में, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी के क्या कारोबार है, असदुद्दीन के क्या कारोबार है, इलेक्शन में आते हैं और कुछ बस्तियों के अंदर नौजवानों को जो है ना खराब करते हैं और उनके हाथों में पैसे जमा कर आपसी से बुलाते हैं, कैरम बोर्ड खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता है और इन आफिसों के अंदर गुटके खाकर जो है ना नौजवान अपनी सेहतें खराब करते हैं, और ऐसी आफिसें टूटती हैं जो इलेक्शन तक रहती है 15-20 दिन तक, उसके बाद फिर आपको वो नहीं जानते और आप उनको नहीं जानते, फिर आप ऐसा नहीं होता। अरे ऑफिस खुलना खोलेंगे हम इन बस्तियों के अंदर, कौन सी ऑफिस खुलेंगे, बस्ती डेवलपमेंट कमेटी की ऑफिस खोली जाएगी, बस्तियों को डेवलप करने की ऑफिस खोली जाएगी, इस बस्तियों में ऑफिस के अंदर बस्ती के मसाइल को हल करने के लिए हर महाना एक जनता दरबार मुनाकिद किया जाएगा, आपके जो जो मसाइल है उसकी समाज की जाएगी और समाज करके उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की जाएगी। मैं कोई पंजाबा इस में नहीं रहता, मैं तो इसी बाजू पड़ोस में आपकी बस्ती बाबा नगर में रहता हूँ, आपका एमएलए आपके दरमियान में रहेगा, आप जो आवाज दो वो आपके दरमियान में होगा। इस तरीके से मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब इन बस्तियों के अंदर कष्ट किया करते थे, 24 घंटे के अंदर कम से कम 8 से 12 घंटे आपके दरमियान में रहते, इन गलियों में घूमते, सबसे मुलाकात करते और मसाइल को दरियाफ्त करते और मसाइल को हल क्या करते थे, कोई रास्ते में आवाज देता खान साहब कहकर, चाहे वो रक्षा खींचने वाला क्यों ना हो, ब्रेक बन जाता गाड़ी का और रुकते और उससे मुलाकात करते, उससे बात करते, उसके मसाइल को दरियाफ्त करते और उसके बाद जो है ना यहाँ से रुख्सत होते थे। एमएलए से मिलने के लिए तो बहुत दूर की बात है, 8 घरवन और साथ में जो है ना मुस्कंडे और डोरी पकड़ के बारकस का दौरा होता है, साथ में खवातीन की पुलिस भी रखी जाती है ताकि जो है कहीं कोई जो है ना इंतकाली कार्रवाई ना कर दी जाए इब्राहिम जाफई के ताल्लुक से जो है ऐसा मौत। अरे मोमिन वो होता है जो मौत को सीने से लगा कर घूमता है, निकलता है अपने घर से तो सर को कफन बांध के शहादत के जज्बे से निकलता है, ये मोमिनाना सिफात होती है। लेकिन शहादत वो नहीं जो इस तरीके से कलमियों को लेकर अपने तो सारे इजरा के पास से सिक्योरिटी हटा ली गई, इनके पास से भी सिक्योरिटी हटा ली जा रही थी, कोर्ट को जाकर जो है अदालत से स्टे लेके आकर जो है ना ताकि मेरी जान को खतरा है कहकर जो है सिक्योरिटी फरार करके फिरते हैं कोर्ट के हुक्म के ऊपर। तो आज मैं पूछना चाह रहा था कि अकबरुद्दीन के पास क्या कारोबार है, उनके पास दौलत कहां से आई, असदुद्दीन के क्या कारोबार है, मैं पूछना चाहता। इलेक्शन में बाप को पैसे नहीं खर्चा करते थे, ये पैसे कहां से खर्चा कर रहे हैं कौम के अंदर जो है,
और सवाल ये है इत्तेहाद की दुआएं देने वाले ये मोहम्मद पहलवान से झगड़ा क्यों हुआ मैं पूछना चाहता हूँ। मोहम्मद पहलवान से क्या इख्तलाफ था? इससे पहले तो ये मोहम्मद पहलवान और इनके अफराद खानदान ने हिंदों में खालसा की मुखालिफत में अकबरुद्दीन शाही ने मुहिम चलाई, इनके इलेक्शन की 2004 में जब मैं इंतखाबात कर रहा था उसको वक्त भी अकबरुद्दीन ओवैसी की शाही ने मुहिम चलाए। अचानक इख्तलाफात का सबब 2007 से क्यों शुरू हुआ? जमीन का मामला था, इख्तलाफात हुए, उन्होंने 2009 में हमारा साथ दिया और उसके बाद में जो है ना इंतकामी कार्रवाई शुरू की गई उनके खिलाफ में और एक मंजिल ऐसी आई कि जो है ना जब आदमी जान पे से उठ जाता है तो कुछ भी कर जाता है। उतना रिश कर दिए थे, इतना तंग कर दिए थे तो 12 फुट रास्ते में बार करके करीब वाक्य पेश आया जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ, 3 नौजवान जख्मी हुए और उसके साथ जो है ना ये भी जो है ना जख्मी हुए। लेकिन जब ये मामला हुआ तो मजलिस के सदर तो मिल्लत में इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, मिल्लत के इत्तेहाद का दर्द देते हैं और अपने आप को मुसलमान का सदर कहने वाले असदुद्दीन से सवाल करना चाहता हूँ उनको क्या हुआ? वाकया होने के बाद तुमने जो है ना शरीय एतबार से इस्लामी तालीमात के तहत क्या मुसलमानों ने इत्तेहाद की कोशिश की? नहीं किया। शहर में 40 से 50 जलसों का आरास्ता किया और आरास्ता करके अपने नफ्स के मुताबिक तकारीर किए। ये कहने लगे अरे मोहम्मद पहलवान तुझको तो जो है ना मैं 200 रुपए की पित्तल की गोली से नहीं मारूंगा बल्कि तुझको 2 रुपए के लिए दवा के लिए मेडिकल हाथ पर भीख मांगना पड़ेगा। मुसलमानों सोचो या फिरौलियत हुई या शद्दादियत हुई, रिश्ता देने वाला तो अल्लाह है और ये ऐलान करता है अल्लाहुम्मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, तमाम ज़मीन की भी मख़लूक़ात को रिज़्क़ देना अल्लाह का ज़िम्मा है। इसी तरीके से किसी शायर ने खुद कहा कि जो है सभी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से, हर जगह इंतजाम उनका है, अपना क्या है तमाम उनका है। इस तरीके से जो है अल्लाह दौलत और इख्तदार के नशे में सरशार होकर कौम से जरा मुखातिब करते हुए कह रहे थे अरे मोहम्मद पहलवान तेरे लिए तो जमीन को ऐसा तंग कर दूंगा दफन होने की एक जगह मुयस्सर ना होगी तुझको हैदराबाद में। अरे इसकी जमीन कहाँ लिखी है, इसकी मिट्टी कहाँ लिखी है? वो इसी फारूक नगर में पैदा होता है, जाता है मक्के की सरजमीन को उम्र की नियत से रूह परवाज होती है तो उसको जन्नतुल मकीम मकाम मिलता है। तो तुम्हारा अपना खुद का ठिकाना नहीं, कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की जद में दूसरों को हया क्या देगा? इस तरीके से इंसान मोहतरम यही असदुद्दीन जो लेकिन तहरीक ने 3 जलसों में उनकी बोलती बंद कर दी और उसके बाद पुलिस के जरिए से बाबा नगर के अंदर 65 गाड़ी पुलिस भेजकर तहरीक के बाबा नगर के जलसे को करने के लिए मेरा रोका गया। ये इख्तदार का नारा इस्तेमाल हुआ। अब बताइए क्या मोहम्मद पहला मुखाम वारदात से थे, क्या यूनुस क्या भाई मुखाम वारदात से थे, क्या जो मुकदमा 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैसे परेशान हुए सोचिए। आपकी बस्ती का एक शख्स है और उनके अफराद खानदान से क्या गुजर रही होंगी बताइए। जो है 30 दिन के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी निर्मल की जेल में बंद थे, इसलिए बंद हुए कि उन्होंने कुरान के अहकाम के अंदर मुखालिफत में तकरीर किया। क्या तकरीर की? इब्राहिम चंद्र जी और कौशल्या उनकी वालदा के बारे में बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए, हिंदुस्तान की दफे दस्तूर के तहत उनको गिरफ्तार करके निर्मल की जेल में भेजा गया और तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि हम कांग्रेस से इख्तलाफ कर रहे हैं तो हमको जेल को भेजा गया, हम जो है ना मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं तो इसलिए जेल को भेजा गया। लेकिन ये नहीं बताया जाता है अल्लाह का हाथ कि 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के असासों को तलब करने की जो है ना हुकूमत से मुकाबला कर रहे थे। किरण कुमार रेड्डी ने इस चीज को जो है ना इनकार कर दिया तो 4 मीनार की मंदिर पर एहतजाज करके कौम को उकसाने की कोशिश की गई, ये मंदिर की तौसी हो रही है इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। अरे क्या मंदिर आज भी बनी थी? 35 साल से हम भी देख रहे थे वो मंदिर जो है ना एक छोटी सी अल्लाह अदवा मिन बैलिल
तुम उनके माबूदों को बुरा भला मत कहो जिसकी वो परस्तिश करते हैं, कहीं वो पलट के तुम्हारे भतीजी खुदा को बुरा ना हो। क्या अकबरुद्दीन ने कुरान के अहकाम के खिलाफ तकरीर नहीं किया जिसकी वजह से उसको जेल को जाना पड़ा, और जेल को जाने के बाद बात क्या हो रही थी, तकरीर करें छुट्टी आने के बाद मुझको परेशान किया गया, मुझको एक रोटी ऐसी सख्त दी गई मैं तोड़ नहीं सका, तो देखा तो दुनिया तोड़ने की कोशिश करे तो टुकड़े टुकड़े नहीं हो सके रोटी के, अंदाज सफाई करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। बताने का मकसद ये है कि मजलिस बचाओ तहरीक कुछ ये जिद्दोजहद कर रही है, वो आपको बताना चाहते हैं याद मिलत के हजारों करोड़ रुपए दो दिनों की रियासत में तब्दील हो गए, तहरीक आपके हुकूक आपको दिलवाना चाहती है, इसके लिए अगर आप मजलिस बचाओ तहरीक है तो इलेक्शनों में आपको चंद्रायन मिलते हुए पैसे बढ़ते हैं नौजवानों के अंदर, बात तो रुपये में नहीं बढ़ते पैसे, चार मीनार में नहीं बढ़ते, या खुद पूरे के हल्के में नहीं बढ़ते, और यहाँ सलामा होते हैं, यहाँ पर आपकी आजिजी और मेहनत की बात होती है, इलेक्शन के अंदर आपकी इज्जत से जरा बात करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ वजह इसलिए है यहाँ तहरीक उनके मध्य मुकाबले में खड़े रहती है, मिल्लत के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती है, यहाँ पर नमानुल्लाह खान की याद को ताजा करना पड़ेगा आपको, 30 अप्रैल के दिन इब्राहिम याफई शहीद की भी याद को ताजा करना पड़ेगा, और तहरीक के हक में आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझको मिलने मिलने की ख्वाहिश रहती खुदा की कसम खान साहब के इंतकाल के बाद में दारुसलाम को चले जाता, सलाउद्दीन का सर पे हाथ रख लेता और कहता कि सलाउद्दीन साहब आप बड़े लोगों का मामला था, हम तो यतीम हो गए हैं, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, तो मेरी मुमताज खान मोहरम खान की तरह से अंग्रेज बच जाता। ऐ लोगों सोचो आज मुझे मुस्लिम और अकबरुद्दीन का साथ दे रहे हैं, अरे 27 साल अमानुल्लाह खान ने जमात की खिदमत की, बस्तियों को आबाद किया, जंगलों को दिया, बियाबानों को आबाद किया, बाबा नगर एक जंगल था, 1978 के अंदर पहली मरतबा MLA बने तो पुराने शहर के अंदर लाल दरवाजा गोलीपुरे का पता ऐसा खतरनाक कदा हुआ, और मुसलमान अपने आम के कपड़ों से जो है अपने घरों को अपने माल को छोड़कर भाग गई थी अपनी शान बचाने के लिए, खान साहब की नजरें ये देख रही थी, तो खान साहब बारगाह खुदावंदी में सजदा रहे होकर दुआ किए, ऐ मौला तेरी हबीब के गुलाम पर ये जुल्म हो रहा है, मेरे जरिए से तेरी हबीब की उम्मत पर ऐसा जो है ना मुकाम पर जो है ना उनको रख ताकि जो सुकून और चैन से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। तो बाबा नगर का मामला हुआ, 300 रुपए में 80-80 गज के प्लाट तकसीम किए गए, खाली वहां लोगों को बताया नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के काम करवाए, पानी की लाइन लाई गई, बर्फी का इंतजाम किया गया, कम्युनिटी हॉल कायम किए गए, रोडे डाली गई, ड्रेनेज का इंतजाम कायम किया गया, वो 300 रुपए का जमीन 80 गज का प्लाट आज 25,000 रुपए गज जमीन मिलती नहीं आपको, ये किसका कारनामा है? खान साहब ने सलाह कट्टा बताया, खान साहब ईदी बाजार यासत नगर मोइन बाग गुलशन इकबाल कॉलोनी नसीम नगर प्लाटिंग करने वाले कोई और थे, नोट कमाने वाले कोई और थे, लेकिन खान साहब की नजर ये लग रही थी तो बचने वाले सरकार की हिम्मत है, इस नजरिए से अमानुल्लाह खान ने वहां पर खिदमा अंजाम दिया, और ये कहा कि अल्लाह ने मुझको मौका दिया है मैं कौम के जमात को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, कहकर वहां पर खिदमा अंजाम दिए, तब जाके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रुकन पार्लियामेंट हुआ हैदराबाद, इसकी खिदमत थी, खान साहब ने जमात को ताकतवर बनाया, अरे 27 साल खिदमत करने वाले का जो है कोई अहमियत नहीं रही, तो किसी और की क्या अहमियत रहेगी इस मजलिस के अंदर, उनको तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके पूछना चाहता हूँ, अपने जहन पर जोर डालो कि आज मजलिस बचाओ तहरीक इन गली कूचों के अंदर अपने गलों को फाड़ फाड़ कर आपसे दरखास्त करती है, 15 साल से आपने देखा क्या डेवलपमेंट हुआ, बारकस की मिसाल ले लीजिए, खान साहब के जमाने में दवाखाना बनाया गया, खान साहब के जमाने में अखावती मदरसा यानी रेजिडेंशियल स्कूल इसको कहते हैं, जहाँ गरीब बच्चों की तालीम मुफ्त, कपड़े मुफ्त, खाना मुफ्त, अल्लाह के उनकी हजामत भी मुफ्त करवाई जाती है, ऐसा कारनामा था
लेकिन उस दवाखाने का हाल क्या हुआ, कभी 15 साल में अकबर उद्दीन ने उस दवाखाने का मायना किया, कभी इसने दौरा क्या दवाखाने। अरे मैं जीत जीत के बोल रहा था, 2009 में भी बोला, 2004 में भी बोला, लेकिन कौन सुनी नहीं। आज भी बोल रहा हूँ, एक डॉक्टर की हैसियत से एक इंसान के नस पर हाथ रखकर उसकी बीमारी का इलाज करता हूँ, 25 साल से करते आ रहा। कल के दिन आप लोग के शोर बेदार के जरिए से तहरीक के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करके मुझको कामयाबी अदा करेंगे, सारी कौम की नफरत पर हाथ रखकर उस कौम का इलाज करूंगा। ये दवाखाने को मंत्री सिंचाई की बात को बना लाऊंगा। आज जीते रात के लिए लोग परेशान है, गरीब खास तौर से उसके पास कोई इमरजेंसी पैसा नहीं रहता इलाज कराने के लिए। कल के दिन नई हुकूमत नई रियासत की तश्कील हो रही है, ये आरोग्य श्री चलेगा या नहीं चलेगा नहीं मालूम, लेकिन इन गरीबों के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वो इंतजाम एक डॉक्टर की हैसियत से मैं करके दूंगा, खासतौर से मेरे हल्के के लोगों के लिए एक बेहतरीन दिल के इमराज के इलाज के लिए बेहतरीन इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया जाएगा, डायलिसिस का एक यूनिट बनाया जाएगा दवाखाने के अंदर। ये मेरी यही ख्वाहिश है, अल्लाह कुछ काम ले ले मुझसे अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि यहाँ से गुजरने के बाद ऐसा याद आए, बहुत याद आया हूँ यहाँ पर, ये मेरी आज जो है कुछ काम करते जाऊँ दुनिया के अंदर, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करते जाऊँ। जिस तरीके से वो रेजिडेंशियल स्कूल है उसको रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाने की मेरी ख्वाहिश है। हमारी बच्चियां 10 क्लास तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती है, उन बच्चों की तालीम के लिए जो है ना इसी पार्कस के अंदर एक जो है ना रेजिडेंशियल एक जूनियर कॉलेज और 10 क्लास की तालीम तक लड़कियों की तालीम के लिए डिग्री कॉलेज का ख्याल में लाना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पर नौजवान स्पोर्ट्स के शौकीन हैं और खासतौर से कुश्ती के मुकाम मैदान के अंदर शौक ज्यादा रख रहे हैं और फुटबॉल के मैदान में ज्यादा शौक रखते हैं। इतना बड़ा मैदान है लेकिन स्पोर्ट्स का सामान नहीं, तरबियत देने के लिए कोचेस नहीं। कल के दिन में मुंतखब होगा इस मैदान के अंदर स्पोर्ट्स का मटीरियल अंबार के तौर पर मिलेगा आपको, इनका सामान मिलेगा और यहाँ पर कोचेस का इंतजाम करके यहाँ कोचेस को तरबियत देने के लिए कायम रखा जाएगा। इसी तरीके से हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए लोन फराहम किए जाएंगे ताकि कारोबार करके अपनी मैशत को सुधारे। हमारी खवातीन नौजवान खवातीन के लिए जो आज जोड़े घोड़े की वजह से आज उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके लिए जो है ना एक मैरिज फंड ऐसा मुकर्रर किया जाएगा, वैसा नहीं जो आज के जमाने में फैशन बन गया इज्तिमाई शादियों का, कहीं सीरत कमेटी के नाम पर, कहीं मिलाद कमेटी के नाम पर, कहीं और कमेटी के नाम पर किया जाता है, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स को ललकार कर रहे नीलाम किया जाता है लोगों के अंदर, दुल्हनों को बिठाया जाता है, दुल्हनों को दुनिया के सामने बताया जाता है, लेकिन जब तहरीक मुंतखब होगी तो ऐसा मैरिज फंड मुकर्रर किया जाएगा, ये हाथ से दिया जाएगा तो ये हाथ को पता नहीं चलता है। इस तरीके से कौन की खिदमत का आजम रखता हूँ खुदा रहा, कोई जो है ना ऐसे वादे नहीं कर रहा हूँ जो ना काबिले से रहना समझ है ना काबिले बोल नहीं, बल्कि करना चाहे तो सारे चीजें हो सकती हैं। आज आबादी जायदादों का तहफ़ नहीं किया जाता, आज आबादी जायदादों से काफी आमदनी हो रही है लेकिन कौम मुस्तफ़िद नहीं हो रही है। कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा मुंतखब होगा तो यकीनन आबादी इमलाक से जो है कौम को मुस्तफ़िद किया जाएगा। मिसाल के तौर पर और नौजवान जो लैपटॉप जो इनके लेने के ख्वाहिशमंद है, तहरीक उनको लैपटॉप जो है ना मुहैया करवाएगी और जो है ना प्रोग्राम देगी। जो नौजवान जो है ना आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहता है, अमेरिका और लंदन जाना चाहता है, उनके लिए पूरी फाइनेंशियल जो है ना मदद माली मदद जो है ना हुकूमत और जो पहलवान बनने की ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए जो है ना ओलंपिक्स की तैयारी करवाने की हम भी जो है ना पूरी मदद करेंगे उसके अंदर। इसी तरीके से कई प्रोग्राम से तहरीक के साथ और कल के दिन जीतने के बाद आज जिस तरीके से पद यात्रा कर रहा हूँ उस तरीके से अलगे चंद्रायन उतरे ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की रियासत में चप्पा चप्पा घूमता रहूंगा और मुसलमानों के मसाइल से आगाही लेते हुए उनके मसाइल को ऐवान में पेश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चंद्रायन उतरे का अकेले नहीं रहूंगा, जिस तरीके से अमानुल्लाह खान जो है ना हल्के चंद्रायन मुद्दे के एमएलए नहीं थे बल्कि कड़पा की आवाज आती है तो खान साहब कड़पा पहुंचते हैं। एक मरतबा का वाक्य है जब कड़पा के अंदर बंदी इंतखाबात हो रहे थे तो मैं जो है ना
सांसद विहीन इलेक्शन जो है ना चिट्ठी भेजी गई थी, तो मैं दौरे पे था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, वो आंख में आंसू लाकर जो है ना सांसद की जो है ना हार के ऊपर अफसोस कर रहे थे। कहने लगे सांसद की हार की मिसाल ऐसी है, अगर किसी बूढ़े माँ बाप का एक बेटा होता है और वो जो पालने वाला होता है वो इंतकाल कर जाता है, उस बूढ़े माँ बाप के क्या गुजरती है। खान साहब के हारने के बाद हमारी ये कैफियत हो चुकी है। कहने लगे उसी तरीके से चंद्रायन उल्टा आपके हद तक महदूद नहीं, ये नुमाइंदगी सारे तेलंगाना की रियासत में और जहां से भी आवाज आएगी वहां पर ये नुमाइंदगी काम करती रहेगी। आप लोग जो है मैं इलेक्शन नहीं, मैं एमएलए बनने के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत मजलूम के मसाइल को हल करने के लिए, इनकी फिरौनियत को खत्म करने के लिए, इनके तशद्दुद को खत्म करने के लिए, जो इन कौम लोगों के अंदर दाग के रखे हैं, अरे उनकी मुखालिफत करें तो रोडी शीट खुल जाती, उनकी मुखालिफत करें तो हमारे कारोबार खराब हो जाते। इस तरीके से खौफ डाल दिया गया, बीजेपी का खौफ डालते थे और अपना भी खौफ ये कौम के सरों पे नौजवान उठाए करें। हम ऊपर से काम नहीं करते, हम पर्दे पर्दा रह के आपका काम करते तो जालिम लोग हमको परेशान करेंगे। अरे हम क्यों देखो, हम तो उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं, हमारे को परेशान करने की उनके पास ताकत नहीं, हिम्मत नहीं। मैं जिस गली से गुजरता हूँ इत्तेफाक से आमना सामना हो जाता है तो गाड़ी पलटा के रास्ता का इंतजार करके भाग जाते हैं। यही वो सबक है कि आज अल्लाह ने इतने दूरे पतले को वो ताकत और हिम्मत अता किया है कि जो लोग जो है ना बड़े बड़े सीने छकले रखते हुए भी वो ताकत नहीं रखते, वो हिम्मत नहीं रखते, ये सबको नहीं मिल जाती। आज तहरीक है तो कौम के खतरों के सामने अपने सर झुकते हैं उनके, उदाहरण तहरीक को जिलाने की कोशिश करो, ये तहरीक इस वक्त कामयाब नहीं होगी। तो याद रखो विपरीत तकाजों के तहत जो है ना हिम्मत कौम की फत हो जाएगी, मेरी नहीं होगी, मैं जितो जहर तो करता रहूंगा। लोग यही बोलेंगे इनका साथ देना बेकार हो जाएगा, ये बार बार इलेक्शन में लड़ते हैं तो फिर जो है ना हम फिर हारते हैं, कि हम इनका साथ कैसा देंगे। ये अर्ज करो कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मजमे में जितने लोग थे इस बार उभर के बैठे, सब अपने आप को उम्मीदवार तसव्वुर करो। पोलिंग के दिन सुबाही फजर के साथ बूथों पे अपने घरों की खवातीन की कतार लगाओ और जो है ना मर्दाना अपनी जो है ना खवातीन को ले आकर वोट करवाओ और अपनी जिम्मेदारी को एक दिन निभाओ। खुदा की कसम 5 साल तक आपके दरमियान में आपकी जो है ना मसाइल को हल करते हुए आपकी जिम्मेदारियों को जो है ना और आपके इतिहास को पेश नहीं पहुंचाऊंगा। ये वक्त और हालात का तकाजा है, समझो सही बेसरो समाई के आलम में उनसे मुकाबला कर रही है, वक्त खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तहरीक का साथ देंगे और तहरीक के निशान जो 12 तारीख के बाद मिलेगा उस निशान के ऊपर मोहर लगाकर जो है तहरीक को कामयाब कामरान करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हे परवरदिगार जो हमारे दिलों का हाल जानता है, जो हमारी नियतों से तू वाकिफ है, जो हमारे गुनाहों का नादिर, तेरी शान करीमी और रहीमी का वास्ता है मौला, तो हम पर तेरा फजल फरमा, रहम फरमा और तू मुग़ल्लिबुल क़ुलूब है, सभी को अस्बाब है। हमारे मुकाबले में दौलतमंद और ताकतवर लोग हैं, इख्तदार के जरिए से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मौला तू लोगों के कुलूब में हमारी मोहब्बत पैदा कर, तू सभी को अस्बाब है मौला, तो ऐसे कामयाबी के अस्बाब मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे, याद फिर सर्व सामाजिक के आलम में हमको कामयाबी अता करके अपने वजूद का एहसास दुनिया को मिला दे। परवरदिगार वो आपके दावन अल्हम्दुलिल्लाह है। होगा आप तमाम मस्जिद सौदा मोइन बाग जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
Thank you.